उस्ताद सब याद आते थे, परंतु जिस कार्य के लिए आपने हमें भेजा था उसमें जरा से भी त्रुटि ना रह जाए उसके प्रति सजग रहने में सदा इस बात का आभास रहता था जैसे आप हमारे साथ हैं और हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। मैं तो कन्या का पिता हूं, आपका दास हूं, मेरी और आपकी बराबरी कैसे? आपने ठीक कहा महाराजा जनक, हमारी आपकी बराबरी कैसे हो सकती है? आज आप दाता हैं और मैं एक याचक, एक भिखारी जो आपके द्वार पर आपकी कन्या का दान मांगने आया है। देने वाला दाता तो सदा ही महान होता है। शास्त्र भी कहता है प्रतिग्रहो दात्रवश, लेने वाला दाता के अधीन होता है। मैंने अपनी लंबी आयु में नाना प्रकार के भोग भोग लिए, सैकड़ों यज्ञ और धर्म कार्य कर लिए, परंतु जब तक राजा बनकर सिंहासन पर बैठा रहूंगा प्रजा की सेवा के ऋण से मुक्त नहीं हो सकूंगा। अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, इसलिए प्रजा की सेवा का भार तुम्हारे कंधों पर डालकर विश्राम करना चाहता हूं। प्रजा की सेवा करने के लिए राज्यपद ग्रहण करके सिंहासन पर बैठना आवश्यक नहीं पिताश्री, जनसेवा तो मैं आपके चरणों की छाया में रहकर भी करता रहूंगा। भगवान आपको दीर्घायु प्रदान करें और मैं आपके छत्र छाया में रहकर आपकी और प्रजा की सेवा करता रहूं। तात सब याद आते थे, परंतु जिस कार्य के लिए आपने हमें भेजा था उसमें जरा से भी त्रुटि ना रह जाए उसके प्रति सजग रहने में सदा इस बात का आभास रहता था जैसे आप हमारे साथ हैं और हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। इतनी कम आयु में तुमने जो आदर्श, जो सत्कर्म संचित कर लिए हैं वो हम वृद्धावस्था तक नहीं कर सके। ये आप क्या कह रहे हैं पिताश्री, मेरे प्रेरणा स्रोत तो आप ही हैं, आप ही के पदचिन्हों पर चलकर कुछ करने की क्षमता पाई है मैंने, आपने तो देवलोक तक जाकर अपनी कीर्ति पताका स्थापित की है।